नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। अमृतसर की नारकोटिक सेल की ओर से 3 आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, वहीं उनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। वहीं आज अमृतसर में नारकोटिक सेल के IG बॉर्डर MF फारूकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें गुप्त सूचना थी, अमृतसर के इलाके में कुछ आतंकवादी घूम रहे हैं, वहीं हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। आइए सुनते हैं MF फारूकी को। फिलहाल 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसके अंदर कल शाम से पहली अरेस्ट हुई थी और उसके बाद से अभी तक में हम 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 पिस्टल की रिकवरी और कुछ राउंड, तकरीबन 15-20 राउंड के करीब हमने रिकवर किए हैं। और ये लोग एलिजेंटली खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, इनको टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था, इनको बताया गया था कि चूंकि इनको फंड भी किया जा रहा है बाहर से और इनको हथियार दे दिए गए थे, तो उनसे ये कहा जा रहा था कि वो आइडेंटिफाई करें किसी बिग टारगेट को और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करें। जो अभी इनसे प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है, अभी जो 2 लोगों से हुई है, उसके अंदर बेल्जियम, इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी स्टार्ट। अभी देखिए, कोई स्पेसिफिक बात इसके अंदर नहीं आई है, पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो अभी हमने पड़ताल करी है, पूछताछ करी है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर देखते हैं क्या बात। देखिए, हमेशा से ये एफर्ट रहा है बाहर बैठे हुए लोगों को कि यहाँ पर वो रिवाइव करें, लेकिन पंजाब पुलिस इस मामले में अलर्ट भी है और इक्विप्ड भी है, तैयार है। और ये इस बात का सबूत है कि हमने बिल्कुल प्री मेच्योर स्टेज के अंदर ही इनको पकड़ के इनके मॉडल को बस्ट कर दिया है। तो जो बाहर बैठे लोग हैं उनकी तैयारी जरूर है, बाकी कोशिश भी जरूर है कि ऐसा किया जाए, पर इस तरह की कोई भी घटना जो है उसके ऊपर हम काबू पाने में समर्थ भी हैं और हम कर ले रहे हैं। पर जो अभी पकड़े गए लोग हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, जैसे जो मेजर सिंह को पकड़ा है उसकी एज ज़्यादा है, अधेड़ उम्र का है। जो लड़का पाला है वो यंग है, एंड मेरा ख्याल है इसकी भी एज थोड़ी ज़्यादा है। जो रशपाल है, रशपाल की क्या एज होगी? हाँ, 25। रशपाल भी यंग है। तो बेसिकली एफर्ट तो रहता है कि जो यंग लॉट है उसको इमोशनली चार्ज करके इसके अंदर मोटिवेट करके लाया जाए। बिल्कुल, इनके पास से जो हमने कल गिरफ्तारी करी है यहाँ अमृतसर के एरिया से करी है। पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के लिए काफी प्रयत्न कर रहा है, मगर भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। यह थी अमृतसर से हरदेव वाला की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।